सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी इस पर जो होने वाली टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इस परीक्षा के आधार पर आज हम कुछ पाठों का यानी उनके जो प्रश्न उत्तर है उनका सराव करने वाले। तो ये प्रश्न प्रकार के अनुसार हम उनका सराव लेने वाले। तो पहला प्रश्न प्रकार है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो ये आज हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे प्रश्न है, नहीं कुछ रिक्त स्थान है, तो इसका उत्तर है नहीं कुछ फिकर है। तो ये जो कविता है बसंती हवा, इसके रिक्त स्थान है। अब दूसरा है, गिरी रिक्त स्थान से फिर चढ़ी आम ऊपर, इसका उत्तर क्या है, गिरिधम से फिर चढ़ी आम ऊपर। दूसरा है, वहाँ रिक्त स्थान में लहर खूब मारी, इसका उत्तर देखो अभी, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, गेहूँ में इसका उत्तर है। हिलाया झुलाया गिरी पर न रिक्त स्थान, इसका उत्तर क्या आएगा, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसका सही उत्तर है। आगे देखो, अब ये जो पाठ है उपहार, इस पाठ के प्रश्न है। तो देखो, गांव के पास रिक्त स्थान मेला लगा था, तो इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान में गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। दूसरा देखो, अचानक उसकी रिक्त स्थान दूर पेड़ों के पीछे गई, इसका उत्तर देखो, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। तीसरा है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की रिक्त स्थान में आंसू आ गए, इसका उत्तर है परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, इसका सही उत्तर है। अब देखो यहाँ पे पाठ है जोकर, तो इस पर निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है प्रश्न, देखो मुहावरा, जान पर खेलना, इसका वाक्यों में प्रयोग किया है, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। दूसरा है ठहाका लगाना, इसका वाक्यों में प्रयोग दिया है, हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं दूसरा वाक्य। मन महसूस कर रह जाना, इसका वाक्यों में प्रयोग देखो, पिताजी की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। आगे फूलाना समाना, अब इसका वाक्यों में प्रयोग है, जिले में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूलाना समाए। पांचवा है दंग रह जाना, 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए, तो ये अपने मन से भी आप अलग दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। निम्नलिखित कहावतें का अपने वाक्यों में प्रयोग करो, आप यहाँ पे कहावत दी है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आगे का है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका वाक्य में प्रयोग किया है, मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, सिलाई मशीन में कमी बता रही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसा है, इस आपको कहावत और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यह अपने मन से भी आप इसका वाक्यों में प्रयोग दूसरे उदाहरण लेकर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है देखो, अब यहाँ पे जो खोजबीन में दिया है, हाथ पर आधारित 4 मुहावरे लिखो, यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्या, पहला है, दूसरा है हाथों हाथ लेना, तीसरा हाथ बटाना, और चौथा है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। ये हाथ पर आधारित 4 मुहावरे हैं। आगे और भी प्रश्न है, अब यहाँ पे कुछ किन्हीं 5 मुहावरे कहावतों को सांकेतिक चिन्ह यानी सांकेतिक चित्र बनाओ, आपको चित्र ऐसे आएंगे और उस पर आप मुहावरे और कहावतें लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे चित्र आएंगे। तो देखो इस चित्र के आधार पर आपको ये मुहावरा और कहावतें लिखने, तो यहाँ पे एक यानी एक हाथ दिखाई दे रहा है और उस हाथ के कमीज से क्या हो रहा है, एक सांप बाहर निकल आ रहा है, तो देखो आस्तीन से यहाँ पे बाहर सांप निकल आ रहा है, तो इसका मुहावरा जो बनता है आस्तीन का सांप होना।
यहाँ पे एक आदमी भैंस के आगे बीन बजा रहा है, तो इसका क्या आएगा, भैंस के आगे बीन बजाना। अब यहाँ पे एक लड़के के पेट में ये चूहे दिखाई दे रहे, ये दौड़ रहे। जब हमें ज़ोरों से भूख लगती है तब हमारे पेट में चूहे दौड़ते, ऐसा हम बोलते हैं सामने वाले को। तो यहाँ पे पेट में चूहे कूदना यानी ज़ोरों से भूख लगना, ऐसे भी इसका अर्थ होता है। यहाँ पे एक आदमी सूरज को दीप दिखा रहा है, यहाँ पे इसका अर्थ होता है सूरज को दीपक दिखाना। और यहाँ पे एक आदमी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इसका अर्थ होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये चित्रों के माध्यम से आपको लिखना है। तो देखो यहाँ तक, तो देखो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और कुछ कहावतें और मुहावरे, ये देखें इसको एक बार फिर से लिखो, उसे याद करो। ठीक है, और भी हम प्रश्न प्रकार देखने वाले अगले वीडियो में। ठीक है, ओके।